फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो कैड का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम पॉइंट है। पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट नेग्लिजिबल माना जाता है। पॉइंट से हम लोग ऑटो कैड की शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि ऑटो कैड जो है वो फुल्ली मैथमेटिकल बेस्ड प्रोग्राम है और मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग पॉइंट से शुरू करेंगे। तो ऑटो कैड में पॉइंट दो तरीके से बनता है, एक है सिंगल पॉइंट, एक है मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पे टाइप ए कमांड लिखा हुआ है, यानी ये कमांड एरिया है। कमांड एरिया, आपका ध्यान जब भी कोई आप कमांड यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हो या किसी चीज़ का डायमेंशन कर रहे हो, तो आपका ध्यान हमेशा कमांड एरिया में होना चाहिए। यानी ये जो कमांड लाइन, ये आप कमांड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो मैसेज देगा उस मैसेज पे आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। तो आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पॉइंट। तो यहाँ मैंने लिखा है टॉपिक फर्स्ट पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड का शॉर्टकट की PO होता है। शॉर्टकट की मींस जैसे POINT पॉइंट लिखने की जगह पे सिर्फ आप PO भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो पॉइंट कमांड का शॉर्टकट की PO होता है। पॉइंट बनाने के दो तरीके हैं, पहला है सिंगल पॉइंट, दूसरा है मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट किस तरीके से बनाते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। तो सिंगल पॉइंट को बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला है POINT पॉइंट टाइप करेंगे या शॉर्टकट की उसका इस्तेमाल करेंगे PO, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। जो यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया है वो इंटर की का सिंबल है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे उसके बाद कमांड लाइन में, कमांड एरिया में आपको एक मैसेज देगा जिसमें लिखा होगा स्पेसिफाई ए पॉइंट। यानी आप जो ये ऑटो कैड जो आप देख रहे हो, इसका स्क्रीन जो दिख रहा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग ड्राइंग एरिया भी कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कहते हैं। तो इस वर्किंग एरिया में आप किस पोजीशन पे पॉइंट बनाना चाहते हैं वो पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन का मतलब हुआ ओरिजिन से एक्स की तरफ का वैल्यू, ओरिजिन से वाई की तरफ का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2.3 लिया है, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। कमांड में टाइप करेंगे PO इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप एक मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट। स्पेसिफाई ए पॉइंट, आप जो जिस पॉइंट, जिस पोजीशन पे आप पॉइंट बनाना चाहते हैं वो पोजीशन डालिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अभी फ़िलहाल 3.2 और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके इस ड्राइंग एरिया पे एक पॉइंट बन चुका है जो जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2.3, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2.3। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू भी, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अरेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं एक्स की तरफ का वैल्यू और वाई की तरफ का वैल्यू। 2.3 का वैल्यू यहाँ पे है, x की तरफ 2 और y की तरफ 3, यहाँ पे बन गया 2.3। इसके बाद ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से पॉइंट में जाएंगे, पॉइंट में जाने के बाद सिंगल पॉइंट में जाएंगे और सिंगल पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये है आपका ड्रॉ मेन्यू। मैंने स्टार्टिंग क्लास में कहा था कि ऊपर में जो फाइल से लेकर के एक्सप्रेस तक है इसको हम लोग मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू है। ड्रॉ मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, फिर वही मैसेज स्पेसिफाई पॉइंट। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं 4.5, इंटर की प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं एक पॉइंट बन गया। साथ ही साथ आप ये ध्यान दीजिए कि कमांड एरिया से आप बाहर हो चुके हैं, यानी कमांड में अब कुछ भी वहाँ पे मैसेज नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप कमांड से बाहर हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल पॉइंट पढ़ लिए।
दूसरा टॉपिक है मल्टीपल पॉइंट। तो मल्टीपल पॉइंट मींस ये हुआ कि एक बार में एक से ज़्यादा पॉइंट बनना। तो मल्टीपल पॉइंट बनाने के कितने तरीके हैं? मल्टीपल पॉइंट बनाने के भी दो तरीके हैं। पहला है ड्रॉ टूल बार में जाकर के हम पॉइंट वाले टूल को क्लिक करेंगे तो पॉइंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब ड्रॉ टूल बार कहाँ होगा? मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि ये स्क्रीन पर जो टूल आपको दिख रहा है ये टूल बार कहलाता है। तो ये अलग अलग टूल बार है। पहला वाला जो है ये ड्रॉ टूल बार है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये ड्रॉ टूल बार है? यहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद पहला में लाइन दिख रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन है, फिर पॉली लाइन है, फिर पॉलीगन है, फिर रेक्टेंगल है, फिर आर्क है, फिर सर्कल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी टूल यूज़ किया गया है, सारा का सारा ड्रॉ करने वाला है। इसलिए इसको हम लोग ड्रॉ टूल बार कहते हैं। तो ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जगह पॉइंट भी है। तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा स्पेसिफाई पॉइंट। यहाँ पे आप पॉइंट का वैल्यू दे सकते हैं 5.6। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका बन गया। फिर देखिए मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई पॉइंट। अभी आप कमांड से बाहर नहीं हुए। और सिंगल पॉइंट में क्या था कि एक बार में एक ही पॉइंट का वैल्यू डालते थे और कमांड से बाहर हो जाता था। मगर मल्टीपल पॉइंट में क्या हो रहा है, फिर से वही मैसेज दिया कि स्पेसिफाई ए पॉइंट। फिर हम ले लेंगे 7.4, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बार बार पॉइंट का वैल्यू डालने पे बार बार पॉइंट बन रहा है। आप फ्री हैंड भी कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, पॉइंट बन रहा है। आप देख रहे हो जहाँ पे आप क्लिक करोगे अपने माउस के थ्रू स्क्रीन पे, तो आपका पॉइंट वहाँ पे बनने लगेगा। इस तरह से ये पॉइंट आपका बन गया। अब हम चाहते हैं कि इतना ही पॉइंट बनाना है, इसके बाद मुझे पॉइंट नहीं बनाना है, तो कमांड से बाहर जाना होगा। कमांड से बाहर जाने के लिए आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला एक की होगा जिसका नाम है एस्केप। उस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से ये एक तरीका हो गया पॉइंट बनाने का, मल्टीपल पॉइंट बनाने का। दूसरा मेथड है मल्टीपल पॉइंट बनाने का कि ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से पॉइंट में जाएंगे, फिर मल्टीपल पॉइंट पर क्लिक करेंगे। आते हैं हम लोग ड्रॉ मेन्यू में, यहाँ है पॉइंट, यहाँ है मल्टीपल पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज देगा स्पेसिफाई पॉइंट। फिर आप कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू डालेंगे तो उस जगह पे पॉइंट आपका बन जाएगा। और आप फ्री हैंड भी कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो तो वो भी आपका पॉइंट बनेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पॉइंट बना सकते हो। और फिर मुझे कमांड से बाहर जाना होगा तो आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं जिसका नाम है पॉइंट। पॉइंट दो तरीके से बनता है, सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। फिर सिंगल पॉइंट को भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक है कमांड टाइप करके, दूसरा है मेन्यू बार से। फिर मल्टीपल पॉइंट को भी हम लोग टूल बार से यूज़ करते हैं और मेन्यू बार से यूज़ करते हैं। मल्टीपल पॉइंट में एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि आप कमांड टाइप करके POINT पॉइंट लिख करके आप मल्टीपल पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट यूज़ करने के लिए या तो मेन्यू बार का यूज़ करना होगा या टूल बार का यूज़ करना होगा। तो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इरेज कमांड। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।